हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे, जिसके लिए मैंने पहले भटूरे का डो लगाया है। इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर, बेकिंग सोडा और दही ऐड करके इसका डो लगाएंगे, जिससे कि काफ़ी प्लफी और अच्छे बनते हैं। और आप लोग क्या डाल के बनाते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं, पर मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच या आधी कटोरी के आसपास मैंने दही लिया इसमें, और 2 चम्मच के आसपास शुगर मैंने इसमें ऐड करी है। और इसमें हल्का सा आप चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब इसका हम डो लगा लेंगे अच्छे से। और गाइस, किसको किसको छोले भटूरे पसंद है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझको बताइएगा। और देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका डो लगा लेंगे। देखिए, हमारा डो जो है अच्छे से रख चुका है। अब इसको हम आधे से 1 घंटे रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम छोले की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने कुकर में रात भर भिगे हुए छोले लिए हैं, जिसमें मैं 6 से 7 सीटी लगा लूँगी नॉर्मल। और इसको पकाने के बाद फिर हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 प्याज लिए हैं बड़े साइज के, और 2 साइज़ के टमाटर लिए हैं, बस 2 हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन और अदरक लिए, जिसमें से मैंने प्याज को चॉपर में थोड़ा सा महीन कर लिया, और टमाटर को और ग्रीन चिली को हम पेस्ट बना लेंगे, इसका पेस्ट बना कर तैयार करेंगे। और आप चाहे तो प्याज को भी पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको चॉप कर लिया है, क्योंकि काफ़ी महीन हो गया, तो इसलिए मैंने उसका पेस्ट नहीं बनाया। अब इसमें मैंने अदरक और जिंजर को कूट लिया है, मैंने पीस के नहीं लिया, आप चाहे तो उसको पीस कर भी ले सकते हैं। अब देखिए कि हमारे छोले जो हैं ये अच्छे से पक चुके हैं, आप इनको दबा के देखें, अगर ये पक गए हैं तो आप इनको एक साइड कर दीजिए। अब एक कढ़ाई में हमने सरसों का तेल लिया, जिसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, काली मिर्च वगैरह, पर मैंने सिर्फ 3 चीज़ ली है, तेज़पत्ता, जीरा और लौंग, इनको डाल देंगे। अब इसमें हमने अदरक और जिंजर का पेस्ट लिया है, अदरक और लहसुन का, जो इसमें हम डाल देंगे, और इसको धीमी आँच पर भूनेंगे जब तक ये लाल नहीं हो जाता। ज़्यादा नहीं गाइस, इसको लाल करना है, धीमे धीमे आँच पर हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। फिर इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, जो मैंने चॉप करके लिया है, आप चाहे तो पीस के भी ले सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है, अब इसको धीमी धीमी आंच पर ऐसे ही भूनते रहेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है। इसको ज़्यादा डार्क मत करिएगा, आप चाहे तो पीस के आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही लिया है। और इसको ब्राउन होने तक हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए, हमारा मसाला जो है धीमी धीमी आँच पर बन रहा है, ऐसे ही पकेगा, 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको पकने में, तब तक आप और भी कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें मैंने मसाले लिए हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसमें हम छोला मसाला ऐड करेंगे, आप चाहे तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने गोल्डी का लिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने छोले मसाले लिए हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम छोला मसाला डाल के ही बनाते हैं, जिसका टेस्ट अच्छा आता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। देखिए, हमारे प्याज जो हैं वो धीमे धीमे आँच पर ब्राउन हो रहे हैं, इनको ऐसे ही पकने देंगे, इसको 5 से 10 मिनट, 4 मिनट भी लग सकता है। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी जो हमने तैयार करी थी वो ऐड कर देंगे, आप चाहे तो मसाला पहले भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो बाद में भी, लेकिन मैं इसमें टमाटर प्यूरी मैं पहले ऐड कर रही हूँ। उसको पका लेंगे अच्छे से, जब तक तेल नहीं छोड़ देता, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इस तरीके से जो है ग्रेवी है अच्छी बनती है छोले की, आप चाहे तो पहले भी मसाले ऐड कर सकते हैं, तभी भी अच्छी बनेगी। और देखिए, अब हमारे जो मसाले पक चुके हैं, इसमें तेल आपको दिख रहा होगा ऊपर, अब इसमें हमने जो मसाले लिए थे, हल्का सा पानी डाल के उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो बिना पानी के भी ऐड कर सकते हैं सूखे मसाले, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे जब तक ये तेल ना इसमें दिखने लगे ऊपर की ओर। अभी देखिए, हमारे मसाले जो हैं धीमी धीमी आँच पर पक रहे हैं, इनको ऐसे ही पकने देंगे हम। और गाइस, किस किस को छोले भटूरे खाना पसंद है, सो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रहे हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी होती है। मैं तो इसमें कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करती हूँ। ये देखिए, हमारे मसाले जो हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब इसमें जो हमने छोले बॉयल करके लिए थे उनको ऐड कर देंगे, और इनको धीमी आंच पर पकने देंगे। जब ये पक जाएंगे, इनके एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे छोले जो हैं पक चुके हैं, और इनको हमने एक बाउल में निकाल लिए। अब आप इनको भटूरे के साथ इंजॉय करिए, और मुझे बताइए कि मेरा वीडियो कैसे लगा। आप लोगों को
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, और आइए आप लोग भी खाइए और एंजॉय करिए।